अच्छा अभी आगे बढ़ेंगे इस पर लेकर के सवालों पे, तो आपका सबसे फेवरेट रैपर हसल में, आप देखिए यू आर द विनर, लेकिन आपका हसल में कौन फेवरेट रैपर था आपका? मेरा यार फेवरेट रैपर असल में, अभी मेरे से किसी ने Q&A में भी पूछा था, तो मैंने लिखा था किंग, किंग वाज माय किंग, तो फेवरेट। व्हाट यार वाज द थिंग दैट यू लाइक अबाउट किंग एंड लाइक दैट ही मेड योर फेवरेट? मतलब सही बंदा है यार, मेरे को नेचर भी बहुत पसंद है यार उसका। लाइक जो यार चीजें हुई है वहां पे असल में, जो डिस वगैरह सब बोलते हैं, वो कंपटीशन का हिस्सा था, वरना मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं, सीधी सी बात। ऑल राइट, सो वी आर ऑल गुड, और यही है यार, मतलब गाने वाने बढ़िया है यार, मजा आता है, हर अच्छा वाइब का गाना है। कि जब रफ्तार भाई ने आपको जैकेट दी थी अपनी, तो क्या क्या फील हो रहा था उस समय? यार उस दिन पता नहीं क्या गलती हुई, जो मेरे को पहले तो लाल बजर मिला, मेरे को बहुत अजीब सा भी लगा था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी उस वक्त भी। तो आई डोंट नो, शायद रफ्तार भाई को परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा, तो उन्होंने बोला कि जाते हुए मेरा जैकेट ले जाना। तो आई थिंक यार, मतलब उस दिन के लिए मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वही थी, तब से अब तक की। और उसका यार वाइब अलग था ब्रो, अभी तक संभाल के रखी है मैंने घर पे, किसी कॉन्सर्ट में पहना वैसे ही उसको? बिल्कुल पहनेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब तब जरूर पहनेंगे। फिर अच्छा, मतलब जब एकदम तो फार वाला बताइए उसको मूड पहनने के बाद क्या क्या हुआ है। अच्छा मेरे पास, अच्छा वो योर रिलेशंस विद रागा नाउ? राघा भाई से यार रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और अच्छा तब सब सॉल्व हो गया था यार, जब टीवी पे सब दिखाया गया था, तो रियली था यार, तब सब सॉल्व हो गया था। उसके बाद मेरी और उनकी बातचीत भी हुई थी, सब सॉर्टेड है, परफेक्ट करते हैं आगे कुछ। परफेक्ट चल रहा है, बड़ा ही हॉट टॉपिक हो रखा है मार्केट में, कि इस समय यूट्यूब और टिकटॉकर के बीच में बड़ी गंदी फाइट चल रही है, एकदम बिल्ली और चूहे वाली, तो इसपे क्या कहना है आपका? यार इस पे तो क्या ही बोलूं, क्योंकि शुरू से अब तक यार अपने लिए तो YouTube ही बढ़िया रहा है, क्योंकि YouTube ने अपने को काम दिया है, अपन YouTube पे काम किया है। और TikTok यार मेरे को तो समझ भी नहीं आता कि TikTok और YouTube की लड़ाई हो भी कैसे सकती है यार, लॉजिक क्या है इसमें, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। सो मैं इस चीज पे बोलना भी नहीं चाहूंगा कुछ, जो इस जो इन चीजों पर लड़ रहे हैं उन्हें लड़ने तो पहले, जो सॉल्यूशन निकलेगा अपन उसके साथ चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन तो अभी कुछ ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन ये दिख रहा है कि टिकटॉक की रैंकिंग गिरती चली जा रही है, 1.3 पे आ गई है, लेकिन ये हाँ तो यार वो मैंने खैर, भी देखा था। हाँ लेकिन ये है कि अभी इस पे जो है देखिए क्या कैसा सिनेरियो निकलता है, लेकिन ये फाइट बड़ी गजब हो गई, एकदम से कैरी मिनाटी एकदम आगे बढ़ गया इससे। अच्छा ये अभी एक और फाइट चल रही है, दैट इज बिटवीन इक्का जयहिंद एंड बोहेमिया, इस पे क्या आपका? इस पे तो ब्रो छाते ठोक के बोलूंगा यार, मैं तो इक्का बाजी के साथ हूं, ऑलराइट, एनी इतना रीजन, रीजन यार, रीजन तो पूरे देश को पता है,